बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका सब्जेक्ट कोड 3S507 है उसके GDB 3 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सोशन की तरफ बनने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट करने के साथ साथ ऑल का ऑप्शन मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। एक्चुअली मुझे ये जो GDB स्टेटमेंट है मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में एज इट इज भेजी है, जो मैं आपको सॉल्व करके पेश कर रहा हूँ। तो चलें सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? एवैल्यूएशन मेथड लाइक कॉग्निशन heuristic, questionnaire, etc. can be applied to web application during and after the development. कहने जो evaluation method है मिसाल के तौर पर cognition, heuristic, questionnaires apply किए जा सकते हैं web application पर उसकी development के दौरान और उसकी development के बाद, यानी जब वो मुकम्मल हो जाए। different stages है ना। Nowadays use of mobile apps is tremendously increased and most of the mobile apps are टास्क स्पेसिफिक डेट आर यूज ओनली फॉर सिंगल टास्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग कैलकुलेटर एटसेट्रा। अरे हालिया रिसेंटली मोबाइल ऐप का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा जो मोबाइल ऐप्स हैं वो स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड हैं, जो कि सिर्फ एक सिंगल टास्क को जो इस्तेमाल होते हैं। मिसाल दी है उन्होंने, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए कैलकुलेटर वगैरह, या जनरल लाइफ में से आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रीम है, उबर है, या फूड पांडा है जो सिर्फ फूड के लिए इस्तेमाल होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कीपिंग इन व्यू द कॉन्टेक्स्ट एज डिस्क्राइब अबव, डू यू थिंक दैट द एग्जिस्टिंग एवैल्यूएशन मेथड्स आर सफिशिएंट टू आल्सो एवैल्यूएट मोबाइल ऐप? जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू इन आइदर केस विद वन सॉलिड रीजन। कई सिनेरियो को आपने, या जो आपको ये पीछे कंटेक्स्ट दिया गया उसको माइंड में रखते हुए, क्या आप समझते हैं या आप सोचते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एवैल्यूएशन मेथड हैं वो मोबाइल ऐप्स के एवैल्यूएशन के लिए मुनासिब हैं, सफिशेंट हैं? तो आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपने एक सॉलिड रीजन देनी है। सोल्यूशन, एवैल्यूएशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ any development process. Evaluation need varies from stage to stage, जैसे ऊपर बताया गया था, during और after जो होता है। All mentioned methods are used at different stages of product development in current scenario mobile app. कहते हैं तमाम जो mentioned method किए गए हैं, मिसाल तौर पर cognitive है, heuristic है, questionnaires हैं, ये use होते हैं product development की मकसद स्टेजेस में उसकी नीड के मुताबिक उसको असेस करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए। जैसे कि हमारी मोबाइल ऐप्स हैं जो हमें दी गई सिचुएशन में बताई गई है प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट। इन माय ओपिनियन द एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन आर सफिशिएंट टू एवेल्यूएट मोबाइल ऐप्स बिकॉज यूजर्स ऑफ मोबाइल ऐप्स आर ह्यूमन बींग्स। मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ एवेल्यूएशन हैं वो मोबाइल ऐप की जो प्रोडक्ट्स हमारे पास उनको एवेल्यूएट करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जो मोबाइल ऐप्स के यूजर हैं वो इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। देयरफॉर आई कोट द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन टू सपोर्ट माय डिसीजन। तो इसलिए मैं फॉलोइंग जो है जस्टिफिकेशन को बयान कर रहा हूँ अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। पहले क्या है, हमारे पास कॉग्निटिव है। Cognitive is a mental process of knowing, including aspects such as awareness, perception, reasoning, and judgment by applying four types of cognitive process: systematic, a structured one, and intuitive. Problem is being solved through trial and error techniques. Task-based approach is being used. Problems are prioritized on the basis of intensity of awareness. अब कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है
जब आप उसको स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके प्रोडक्ट की जो परसेप्शन आपकी आती है या आप उसको अवेयरनेस देते हैं, यानी जो पहली स्टेज है मेरे हिसाब से, तो उसी वक्त ही आप जब आपके माइंड में है उसका एक खाका सा प्रोटोटाइप चल रहा होता है कि उसकी क्या अवेयरनेस होगी, उसके क्या चीजेज होंगे, उसकी रीजनिंग क्या है, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके प्रोडक्ट का वैल्यूएशन का। अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं मेंटली कि हाँ जी इसकी ये रीजनिंग है, इसके ये फायदे होंगे, इसकी लोगों में अवेयरनेस दूंगा तो इसकी यूजिबिलिटी का ये एडवांटेजेस होंगे, तो ये आप उसी वक्त वैल्यूएट भी कर होते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो इसी तरह जब मोब ऐप्स आप बनाते हैं तो मिसाल के तौर पर अब फूड पांडा की जो ऐप बनाई गई या कैलकुलेटर की, तो उसमें उन्होंने परसेप्शन किया होगा कि उसकी कैलकुलेशन को इजी करना है, क्विक करना है और एक्यूरेट करना है, ये उसकी रीजनिंग थी। और जो उस वक्त क्या कहते हैं डेवलपमेंट टीम ने सोची होगी एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग दिस कॉग्निटिव प्रोसेस, ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है और टास्क बेस्ड अप्रोच होती है, यानी अगर आप एक टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं या उसी ऐप के जरिए मल्टी टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो दूसरी हमारे पास क्या है, हॉलिस्टिक अप्रोच है या मेथड है। तो इसमें क्या है जी, ये एवोल्यूशन जो है ये आपको ज़्यादा एडवांस लेवल स्टेज पे हम अप्लाई करते हैं जब हम उसको प्रोग्रामिंग वगैरह चेक कर रहे होते हैं कि आया कि वो फ्रूटफुल है जिसके लिए हम इस मकसद के लिए, जिस टास्क को अचीव करने के लिए हम अपने जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं एडवांस स्टेज पे, हम उस पर जाके उसकी एवेल्यूएशन करते हैं। फाइनली जब हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, जब उसकी यूजबिलिटी की बेस पे या उसके यूज़र की जो फीडबैक है कि उसमें कौन सी प्रॉब्लम है कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, उनको एड्रेस करते हैं और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेज की एवेल्यूएशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज एवेल्यूएशन हेरिस्टिक जो मैंने आपको बताया है, और फाइनली क्वेश्चन बेस या सर्वे बेस जिसमें हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मूवमेंट ज़्यादातर क्वेश्चन बेस पे फॉर्म पे होते हैं, तो हम एवेल्यूएट करते हैं अपने प्रोडक्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको ये GDP का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कोई कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना चाहता है तो वेलकम। अगर किसी के माइंड में या किसी स्टूडेंट के माइंड में या किसी और व्यूअर्स के माइंड में कोई और पॉइंट है या कोई कन्फ्लिक्ट है तो लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स का, व्यूअर्स का और ऑडियंस का भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट।